भाई सेठवा दहजरक नाती के बा मंजुआ का खून लावे रे। जब तक मंजुआ का खून न पीले तब हद तक हमारे करेजा न जुराए रे तो लगाई के। अब हम चलते हैं इंतजार करें का पता सेठवा उतरे हो। आपके कहने के अनुसार मैं मंजू का गला काटकर उसका खून आपको पीने के लिए लाया हूं और आप इस खून को पी करके अपनी आत्मा की तृप्ति करो। हे पीले सेठ तो हमारा करजवा जुलाई न जाए। बहुत नीक काम किया सेठ, हम तो जानते रहे करबे न करबा। अब पीले हमारा करजवा जुलाई जाए। खून पिलीन अब हमारे करेजा जुड़वा गया। अब तो ठंडा गया सेठ। तनी एक किनारे हो भैया हन से बताई तो ई बतावा भैया हरे, हम तो एक दहजरक नाती से मजाक कीन। हम ऐसी दहनाती से मजाक कीन कि जा चला जा मंजुआ गटैया काट के खुनो लाओ, पीले ही हमारे करेजा जुड़वा गया। बताओ इनके सेठाऊ कितना दिमाग ना प्यार में पागल हाँ बुहाई दान। ये गैन जब अपने बहिनी के गला काट के चलाएं, हम तो आन के घर एक बहिनी बीत गया है। अरे आप ही ने तो कहा, मैं आपका कहना हमेशा मानता चला आया हूँ और आज भी किया मास्टर साहेब। मेरी रानी मेरी बात सुनो। अरे मेरी मन मोहनी दिलवा सुंदरी, मेरी मन सुंदरी कोई हुक्म हो बता दीजिए। बहुत दिन से तेरा प्यार पाया नहीं, आज हंस कर गले से लगा। अरे चला जा यहां से बतावा भैया हरे। जब अपने बहने के नाई भवती, हम तो वान के घरे का बहन बिटिया ही,
ये हम आए गठे कदम के तनी देर का दस जगह के नाती के लागे हम तो ना जानत रहे ऐसे कई जाए हम तो ऐसी रच मजाक के है ये प्यार में पागल हो के अपने बटरी बहनी के गला काट दे दस जगह चला जाए प्यार कह रहे हो आपने मुझसे मजाक किया लेकिन ऐसी अगर मैं इस घर को छोड़कर न जाऊं तो क्योंकि ये हमारे ससुर जी का घर है इस पर मेरा भी तो अधिकार है माई बाप हमार ब्याह के रहन तो कल ही आए अपने नहीं घर में तो कवन अत्यार बहिया है जब तू अपने बहनी को मार सके तो धमका मारे के तई देर बा तो हमारा घर छोड़ के जल्दी जा जूता उतारा जूतवा सब उतार ले भगा
सेठानी जी, हमार कौन गलती है? सेठानी जी, हम शेष का मुंह ना देखे चल दो भगावा चाहिए। अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तो अपना ख्याल रखना। हम वैसे नहीं भले रहे। अपना ख्याल रखना। और ठुकरा के मेरे प्यार को, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुला दिया, ठुकरा के सेठान के छाता जुड़ाई गया। छाती जुड़ाई गया, छाता ना कहवे बहन दी। मजा आ गया खेल में, अब भोलवा जाएगा जेल में। अब भगवान रहे बांस न बजे बांसुरी। अब सेठवा दहनाती भगाई दी, मंजुओं से हाथ धोए ले। अब हम चाहे जवन करी रे, अब चाहे जवन करी हम अहो चलते ही। पवन जाओ, मेरे बेटे विमल को तुरंत बुला करके लाओ। विमल को लिवा करके आओ, कुछ जरूरी बात करना है हमें। बहुत जल्दी जाओ बेटा। हेलो हेलो विमल भैया, आप गामू साहब याद कर रहे हैं? क्या बात है पवन भैया, आप आइए। इनका आपका हेलो हेलो मेरे पास पहुंचा, तुरंत मैंने देखा कि कॉल आपका है। भैया हो, आपका बाबूजी याद करता है, चल के मुलाकात कर ली। आप चलिए आवा। विमल बेटा, मैं तुम्हें बुलाया हूं इसलिए कुछ जरूरी बात करना है हमें, इसीलिए मैं घबराया हुआ हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। तेरह साल वो बंगाल भोला यदले, आज तक आ गया मुझी से बदकार है। चल गई वो सहरा में तो चल पहो, मेरे खातिर उठाया वो हथियार है।
पर हथियार उठा दिया। हाँ बेटा सुनिए मेरी बात को। उसके साले को अपने ऊपर घमंड है ना, हो सके मेरे हाथ में अभी जाता हूं और उसकी जिंदगी को खत्म कर देता हूं। अरे बेटा मैं तुम्हारे दुल्हन देखने के लिए राजपाल के यहां गया था, वहां पर भलवा था हरम दादा सेठ के दो नाली बंदूक उठा लिया, मेरे सीने पे लगा दिया था बेटा, और मुझे धमकी दिया है कि कल का सूरज मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा, जाओ बेटा इसी वक्त जाओ। उसके साले की औकात, अरे चले जो उसे परवाना कहते जले जो सपा में हंसकर, अरे उसे परवाना कहते हैं, और लड़े जो मैंने कटकर उसे मर बेटा जा रहा है भलवा के पास, हरमजादे को फिर बहुत मारेगा, खेल में मजा तो अब आएगा। अबे है मैं चल रहा हूं आराम करने के लिए, मेरा बेटा गया है भलवा के पास, आज से मौत की नींद सुला देगा, कसम भोले।
क्या नाम है ये? मधु देखा तुमने शेर धनराज चोपड़ा की खोपड़ी की करामत, रूपावती हरामजादी को जंगल में टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दिया और विमल के बच्ची को जहर दिला करके तुमसे मरवा दिया, विमल को शराब पिलाया, शराब के नशे में हो गया, गया अपनी पत्नी को मार करके भगा दिया, घर से बेघर कर दिया। लेकिन बीमार को कानो कान खबर नहीं है। बैजनाथ याद रहे ये सब बातें हमारे और तुम दोनों भाई के सिवा तीसरे आदमी को नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है? किसी को बताना नहीं दे। वाह डैड, तुमने जो खेल खेला है ना, तुम समझते थे किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे सब दुनिया। मैं चला अपने मधु के पास, तुम इतने खुदगर्ज हो मुझे पता नहीं था, वरना आज मैं अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को इस तरह से घर से ना निकालता। तुम्हें बाप नहीं, बाप के नाम पर कसाई है कसाई। मुबारक हो तुम्हें दुनिया, मुबारक हो तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे महल, तुम्हारी कोठी। लात मारता हूं ऐसे महल को भी तो। मैं चला अपने मधु के पास।
मधु 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 अरे कौने बनवा मधु कौने बनवा अरे ढूंढे तो के हम सुगानवा कौने सुशाला इतना प्रेमी हो गया पत्नी के लिए अपने पिता को ठुकरा करके जा रहा है। कहा गया है साथियों कि चाहे चिड़िया उड़े आकाश चाहे चिड़िया उड़े आकाश लेकिन चारा है धरती के पास। एक दिन तू अपने आप मेरे पास आएगा विमल। मैं तो चल रहा हूँ सारी संपदा बेच करके यहाँ से विदेश चला जाऊंगा। चल रहा हूँ गुड मॉर्निंग।